सो गाइस फाइनली डॉकड़ मैं भी खा लेता हूँ। ये रही डॉकड़, वाई गुड जी बढ़ा रही लहसुन की और मिर्च की चटनी भी लगा रही साग में आलन के हमारे की भाई सफाई हो रही है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और गाइस आज मेरा ब्लॉग आ रहा है काफी दिनों बाद, और भाई तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो गाइस आज मैं सोच रहा हूँ कि घर पे ही ब्लॉग बना लेता हूँ एक। तो गाइस घर पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस आज हमारे घर में मम्मी बना रही है सरसों का साग और चूल्हे पे रोटी बनाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ब्लॉग में ही कवर कर लूँ। तो गाइस दिखाता हूँ आपको जो हम घर पे आज चूल्हे की रोटी बना रहे हैं और सरसों का साग बनाएगी मेरी मम्मी, दिखाते गाइस आपको। सो गाइस ये आ गया हमारा साग। क्या क्या मम्मी ये अच्छा। सो गाइस अब साग की हमारे की भाई सफाई हो रही है। हैं दीदी बनाएगी, हमारे पास की तो है नहीं है। दीदी दीदी बना दी भाई, बहुत स्वाद। दरवाज आ गए हैं, चॉपिंग बोर्ड तुम लोग। ये राजस्थानी स्टाइल, ये राजस्थानी स्टाइल से काट रही है, और ये हरियाणवी, और ये मदनपुर स्टाइल दिल्ली। भाई चारों के चारों काम करने में लग रहे हैं, देख लो। मुझे तो क्या कर रही है, मैं ढोकड़ खाएगी नमक मिर्च लगा कर देख लो भाई, यूपी की। देख सब के सब साग काट रहे हैं और ये ढोकड़ खाएगी। देखिए ढोकड़ दिखा अपनी कैसी है। मम्मी साग काट रही है, दीदी साग काट रही है, आज मैं फ्री हूँ। तो ढोकड़ दिखा कौन सी है, ढोकड़ छोटी सी अच्छी तरह सोना है। गए जी ढोकड़ देख लो, खराब है, इतनी सी निकली इतनी चीनी में गई। ये ढोकड़ खा रही है, और भाई हम सब ढोकड़ खाए करे पहले, देख लो सब खावे छील छील के। ये मांग रहे नई जनरेशन भी, ले भाई तू खाओ। सो गाइस फाइनली मैं भी ढोकड़ खाऊंगा, गुड बिजनेस है ढोकड़ का। भाई स्वाद लग रही है, डीसी भाई है, स्वाद लग रही है, डीसी भाई है। मजाक बना रहे हो भाई, मजाक ना बना रहे, सब मांग मांग के खा रहे, इतनी बढ़िया है ढोकल। भाई सुनो सुनो, हमें पता तुम सब खाओ। सुबह जी ये ढोकल हाईलाइट ऑफ द ब्लॉग इज ढोकल। नाइस नाइस ढोकल। यू है डॉकल, ये पकाने ऐसे ऐसे अलग कर दो करके, और ये निकल आई हमारे डॉकल। गाइस ये छोटी सी डॉकल निकली, इसको छील के और खा लो। फाइनली लकड़ी ले आई है, बच्चे भी ला रहे हैं। गाइस मैं अभी छीलूंगी लहसुन क्योंकि ये साग में डलता है, और प्लस मैं अपनी फेवरेट चटनी बनाऊंगी आज आपको दिखाऊंगी। भाई गुड्डी बढ़ा रही लहसुन की और मिर्च की चटनी। ये घी निकल रहा है छाछ में से, और मम्मी हमारी चूर मोड़ रही है, और गुड्डी बना रही चटनी। घना सा घी निकाल दीजिए, निकल लिया। पिछले ब्लॉग में एक बार बताया था जब हम वहां से आ रहे थे बद्रीनाथ से, कि चटनी रोटी छाछ और नूनी की मेरी फेवरेट है। आज फिर खाएंगे गाइस। चटनी बनकन दे रही हूँ, कद निपटे की चटनी हूँ। गाइस ये चटनी इतनी आसान है जिसमें आपको दिख रही है गाइस, उसमें बीरबल की खिचड़ी वाला सिस्टम होता है, एक एक बीज को पीसना पड़ता है उसके, जब तक बारीकी नहीं आ जाए ना बिल्कुल कुछ दिखना नहीं चाहिए गाइस चटनी में, ये होता है इसलिए देर लग रही है गाइस। एक एक चीज छुप जानी चाहिए इस चटनी में, इतना घिस दो हमारी रेखा दीदी बना रही चूल्हे पर रोटी। काला बेलन रोटी जीरो पीस के आते हैं, साग की मुझे तो लग रही है मूली काट भाई। ढाबों पे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से खाते हैं लोग, ये देखो सुन मुंह पानी आ रहा है। गाइस हमारी मम्मी लगा रही है साग में आलन। गाइस फाइनली हमारा साग बन गया है, आज मैं ले आऊं। गाइस ये देखो ये हमारा साग, इसके अंदर घी बन रहा है लूनी, और ये हमारी चटनी होगी, और ये हमारी मूली, ये छाछ,
और ये होगी रोटी घी रख के गाइस। तो भाई ये देख लो दीदी कुछ ज्यादा सर मारी दी क्या दीदी है। मम्मी जल्दी लिया, मम्मी गुड़ लिया, गुड़ की डली और लिया। एक चीज की कमी थी भाई, वो भी पूरी हो गई है। देख लो ये रहा हमारा जगेरी यानी गुड़। इंग्लिश वाले बोले जगेरी। हाँ गुड़ भाई, हम गुड़ बोलते हैं। सो गाइस फाइनली हम रोटी खा रहे हैं और देख लो ये हमारा साग रहा। और भाई ये फुल देसी स्टाइल। भाई देख लो ये सब भाई और पापा सब बैठ के खा रहे हैं। भाई ये देख लो भाई, पापा देख लो हमारे थाली में डाल के खा रहे हैं। भाई डीसी कैसा लग रहा भाई स्वाद? भाई लजीज, बहुत लजीज एकदम। पापा कैसा लग रहा है? बढ़िया। और भाई ये देख लो बच्चे भी खा रहे हैं। हाँ भाई ये भाई ये तो ऐसे खाते देख लो। छाछ पे डुबो डुबो के गाइस ये है देसी स्टाइल गुजरों का असली खाना। हाँ इनसे ही गुजरों की पहचान होती है, ये हमारे देसी खाना का। हाँ। और भाई ये देख लो यहाँ ये लोग खा रहे हैं और वहाँ वो लोग परोस रहे हैं बना रहे हैं। चलो भाई तो मम्मी आप भी खाओ फिर। हाँ हम भी खाएंगे अभी, चलो बना ले पहले। ठीक है ले आओ भाभी ले आओ। भाई देख लो ये देव आशीष के लिए। भाई कैसे आशीष हमारा। चलो पापा कुछ कह रहे हैं, एक बार क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अपने औकात में आ जाओ, नीचे बैठ के रोटी खाना। सारे के सारे मम्मी हमारी खा रही है। स्वाद आ रहा है लेकिन दीदी, स्वाद आ रहा है? हाँ। हरियाणा, राजस्थान, यूपी। हाँ। हाँ। सब मिलके देख लो चार स्टेट के। सो गाइस सारे खाना खा रहे हैं, देख लो ये बैठ के सारे नीचे बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं। सो गाइस ब्लॉक करते हैं यहीं पे एंड, हम खाना खा लेते हैं। और जिसको भी भाई खाना वाना खाना हो वो कमेंट जरूर करना हमें, ठीक है भाई? आप बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है? कैसा हमारा खाना लगा? हमने चार स्टेट यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान चारों ने मिलके ये खाना बनाया गाइस। और गाइस ये देसी खाना है भाई हमारा। हाँ। गुजरों का साग, रोटी, चटनी, गुड़, छाछ, मक्खन। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर करना, और जो पार्ट सबसे अच्छा लगा हो या किसी को कोई सजेशन देना हो भाई साग कैसे स्टाइल से बनता है और किसी और कम्युनिटी के अंदर साग कैसे अपने बनता है, अपने स्टेट के हिसाब से भी आप बता सकते हो कमेंट करके। तो कमेंट जरूर करना कि साग कैसा बना है, ऐड करना था कुछ आप। हाँ। बताओ तो और कुछ इसमें और ऐड करना था वो बता देना गाइस, ठीक है? तो ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।